नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। ऐसे में लोग वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर सवाल हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीन को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। इसके साथ ही जो कपल बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं, वो भी असमंजस में हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए या नहीं। कोरोना की वैक्सीन लेना सभी लोगों के लिए जरूरी है, कोरोना वायरस से जोखिम और गंभीरता को कम करने में मददगार होता है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी तैयार करता है, जिससे हमारा शरीर भविष्य में वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर्स की माने तो जो कपल बेबी या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। कपल कोविशील्ड या कोवी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 3 हफ्ते बाद बेबी प्लान कर सकते हैं। कपल को भी दूसरे लोगों की तरह ही वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होता है, लेकिन जो कपल बेबी प्लान करना चाहते हैं, उन्हें वैक्सीन लेने के 3 हफ्ते बाद इसके बारे में सोचना चाहिए। इससे शरीर में अच्छी तरह एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी।